वैसे स्टॉक्स जिसमें आप अगले 20 से 30 सालों के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज में आप अगले 20 से 30 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, निश्चित रूप से आपको बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। दोस्तों अगले 20 से 30 सालों की बात करें तो आप जैसे तैसे कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है और ग्रुप ऑफ कंपनीज की ये होल्डिंग कंपनी है और साथ साथ इसके पास कई सारे बिजनेस हैं जैसे पेट्रोल, केमिकल, रिटेल, जियो, जिसमें से कोई भी बिजनेस अभी प्रभावित होने वाले अगले 20 सालों तक नहीं है। उसी में दूसरे नंबर पे है इस लिस्ट में महिंद्रा एंड महिंद्रा, काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, ऑटोमोबाइल कंपनी है, साथ साथ फार्म इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है, रियल एस्टेट में है, साथ ही साथ ये महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है। इसलिए बोल रहे हैं कि आप इसमें जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं अगले 20 से 30 सालों के लिए, निश्चित रूप से जब आप गिरावट में इन्वेस्ट करेंगे एक बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। और इस लिस्ट में तीसरे नंबर पे है गोदरेज इंडस्ट्री, यह भी एक होल्डिंग कंपनी है गोदरेज ग्रुप के साथ साथ ये ओलियो केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और चौथी जो कंपनी है वो है लार्सन ट्रुबो, ये लार्सन ट्रुबो ग्रुप की पैरेंट कंपनी है, साथ साथ ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कंपनी है। तो ये भी कंपनी काफी बेहतरीन है जिसमें आप अगले 20 से 30 सालों के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो अगली कंपनी है वो है HDFC, ये भी काफी बेहतरीन कंपनी है और इस कंपनी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अगले 20 से 30 सालों के लिए। ये होल्डिंग कंपनी भी है, साथ साथ एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इंडिया की सबसे पहली प्राइवेट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है और ये अगले 20 से 30 सालों के लिए आप इसमें निश्चित रूप से इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि ये होल्डिंग कंपनी है HDFC ग्रुप की। और उसके बाद जो है ICICI बैंक, ये ICICI बैंक भी ICICI ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है, साथ साथ ये एक बैंक भी है। तो देखिए ये अगले 20 से 30 सालों के लिए ये कंपनी ना तो बिजनेस के रूप में प्रभावित होगी ना तो ये ग्रुप प्रभावित होगा, तो आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही बेहतरीन स्टॉक आपको इस चैनल पर हम आपको बताते हैं जिसमें आप अगले 20 से 30 सालों के लिए आंख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं।